guys, welcome to the second session of our second chapter, Physical Features of India. How are you guys doing? Kaise hain aap sab? I'm Ankna, your master teacher for social sciences at Vedantu, hoping all of you are doing absolutely amazing, staying home and staying safe. तो चलो शुरू करते हैं. आज हमने पिछले सेशन में देखा था कि क्या क्या फिजिकल फीचर्स हैं इंडिया की, और हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर विच इज़ द हिमालयस वो कवर कर लिया था, करेक्ट. आज हम पढ़ेंगे बाकी सारे फिजिकल फीचर्स ऑफ आवर कंट्री. ओके, बिफोर दैट लेट्स क्विकली डिस्कस द आंसर ऑफ द प्रीवियस सेशन होमवर्क क्वेश्चन विच इज हिमाचल. और किन लोगों ने आंसर किया है? तो शिवांगी मानू, सचिन, बिना कनवर एंड एक्टिव क्रिएशंस हैव आंसर द फास्टेस्ट एंड करेक्टली. कॉन्ग्रेट्स यू गाइज. आज की लीडर बोर्ड पे आप लोगों का नाम है. गाइज, द रेस्ट ऑफ यू जिनका नाम आज यहाँ नहीं है, आपका नाम भी यहाँ पे हो सकता है. उसके लिए आपको सिर्फ ये करना है दैट यू हैव टू मेक श्योर दैट यू पुटिंग योर आंसर्स इन द कमेंट बॉक्स एंड नॉट इन द लाइव चैट, नॉट जस्ट इन द लाइव चैट, एंड ऑल्सो दैट यू सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड लाइकिंग द वीडियो, बिकॉज आई वुड लव टू सी द नेम ऑफ ऑल द चिल्ड्रन ओवर हियर. ओके, चलो आज बात करते हैं हमारे इंडेक्स की. व्हाट आर सर्टेन थिंग्स दैट वी आर गोइंग टू कवर अप टुडे? सो गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू फिनिश द चैप्टर. अमेजिंग, राइट? दो सेशन, चैप्टर फिनिश. आज हम लोग बात करेंगे नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, द इंडियन डेजर्ट, कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड्स की, एंड ऑफकोर्स इन द एंड वन मार्क वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. बिफोर दैट वी विल डिस्कस द इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑल दीज फिजियोग्राफिकल डिविजन्स. कैसे कैसे क्या क्या जरूरी है और क्यों जरूरी है, ठीक है? As I told you, in the end, we're going to discuss that one mark, very important question. Make sure you are staying tuned because that's going to be very important from your perspective of examination. ठीक है? चलो बच्चे पढ़िए. तो अब बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स की. Now, what are नॉर्दर्न प्लेन्स? If you remember in the previous session, I told you कि अचानक से जब हिमालयस फॉर्म हो गए, ये जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे वो ऊपर इरप्ट हो गए, तो एक बेसन क्रिएट हो गया जो कि रिवर्स से वन बाय वन करके ओवर द पीरियड ऑफ ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो बेसन फिल अप हो गया, एंड विच इज नाउ नोन एज द नॉर्दर्न प्लेन्स, करेक्ट. सो दैट इज वॉट नॉर्दर्न प्लेन्स आर. सो नेचुरली रिवर्स ने फिल अप किया है, तो बहुत सारे रिवर सिस्टम का प्रेजेंस होगा वहाँ पे. तो तीन मेजर रिवर सिस्टम है जो इंटरप्ले करती हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन हो पाया है, जो कि है इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, ठीक है? बेसिकली नॉर्दर्न माउंटेन से ये सारी रिवर्स आती हैं एंड दे कीप फिलिंग इट अप विद द सिल्ट, द सैंड दैट दे ब्रिंग इन फ्रॉम देयर, फ्रॉम द माउंटेन्स. एंड दैट इज वाई दिस एंटायर थिंग, दिस एंटायर स्ट्रेच ऑफ प्लेन्स इज मेड अप ऑफ एलुवियल सॉइल. इसका स्ट्रेच की अगर बात करें कि कितना एरिया है, तो दिस इज स्प्रेड ओवर 7 lakh km². यू कैन इमेजिन हाउ ह्यूज वुड दैट बी, राइट? अबाउट 2400 km लॉन्ग एंड 240 to 320 km ब्रॉड. सो द विथ इज समवेयर बिटवीन 250 to 320 एंड द लेंथ इज अराउंड 2400 एज लॉन्ग एज हिमालयस, है ना? लेंथ उतनी ही है, ठीक है? अब बात करते हैं कि कैसा पॉपुलेशन है, यहाँ पे लोग कितने रहते हैं. सो एरिया लाइक दिस इज डेंसली पॉपुलेटेड, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है. क्यों? क्योंकि इतना फर्टाइल लैंड है, इतनी ज़्यादा एग्रीकल्चर होती है वहाँ पे, इट्स सो परफेक्ट बिकॉज ऑफ द वाटर सप्लाई एंड द फेवरेबल क्लाइमेट. नेचुरली ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहेंगे वहाँ पे, तो द नंबर ऑफ पीपल दैट इट अट्रैक्ट्स इज अ लॉट, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी डेंसली पॉपुलेटेड. एंड मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर बिकॉज ऑफ द टाइप ऑफ द सॉइल दैट इज प्रेजेंट ओवर देयर, ठीक है? अब मैं अगर बात करूँ टाइप ऑफ द सॉइल, जैसे मैं आपको बोल रही थी, तो बच्चा क्या होता है यहाँ पे ना, दो तरह की सॉइल होती है. एलुवियल सॉइल भी ना दो तरह की है. एक है जो पुरानी सॉइल है, यानी कि जो बहुत पहले से आकर के जमा होती गई है वहाँ पे, उसमें कंकड़ का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, स्टोन्स थोड़े ज़्यादा होते हैं जो उसकी फर्टिलिटी थोड़ी सी रिड्यूस कर देते हैं. इस सॉइल को कहते हैं भांगर, ठीक है? उसी के साथ साथ थोड़ा जो है फ्रेश सॉइल, ये रिवर्स हमेशा साथ साथ लेकर आती रहती हैं और पुरानी सॉइल को वॉश आउट करके नए वाले सॉइल को डिपॉजिट करती जाती हैं. नेचुरली अगर नया सॉइल है तो ज़्यादा फर्टाइल होगा, तो दिस मोर फर्टाइल सॉइल टाइप ऑफ एलुवियल सॉइल इन द प्लेन्स इज नोन एज खादर सॉइल, ठीक है? अब ये क्यों होता है अगर मैं इस बारे में बात करूँ आपसे, तो ऊपर से जो रिवर आ रहा होता है वो बहुत तेज़ी से आ रहा होता है, तो वो सारा कुछ कट करते हुए अपने साथ लेकर के आता है. जैसे ही वो नीचे आता है तो उसे मिलता है जेंटल स्लोप. ऊपर नैरो स्लोप था, ठीक है, वेरी स्टीप स्लोप. नाउ इट हैज़ गॉट अ जेंटल स्लोप, सो नेचुरली इट्स वेलोसिटी, इट्स स्पीड विल रिड्यूस. अब वो धीरे धीरे मूव कर रहा है. अब वो धीरे धीरे मूव करेगा तो जितने सेडिमेंट्स वो कैरी कर रहा था वो पीछे पीछे छोड़ता जाएगा, विच अक्यूमुलेट्स एंड फॉर्म्स द न्यू लेयर ऑफ सॉइल विच मेक्स द खा
फादर. एट द सेम टाइम क्योंकि ये सिल्ट जमा होता जा रहा है, सैंड जमा होता जा रहा है, मिट्टी जमा होती जा रही है, तो एक इरप्शन जैसा फॉर्म होता जाता है, ठीक है, सॉरी एक एलिवेशन जैसा फॉर्म होता जाता है. इट काइंड ऑफ फॉर्म्स लाइक एन आईलैंड विच इज नोन एज रिवरीन. तो आप ये देखोगे कि लोअर कोर्स ऑफ दीज रिवर्स में हमें बहुत सारे रिवरीन आइलैंड्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि ऊपर से जो आया हुआ सिल्ट है वो जमा हो जाता है और फिर पानी उसकी साइड साइड से जाने लगता है और वो आइलैंड जैसा, स्मॉल आइलैंड जैसा फॉर्म हो जाता है, जिसका नाम हमने रखा है रिवरीन, ठीक है. और यहाँ पे सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है, लोअर कोर्स में द रिवर्स ऑल्सो स्प्लिट इंटू न्यूमरस चैनल्स, बहुत सारे चैनल्स में स्प्लिट हो जाती हैं, और इस वाले पोर्शन को हम कहते हैं, इन स्प्लिट्स को हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज. ओके, इस वाले स्प्लिट्स को वी कॉल डिस्ट्रीब्यूटरीज. नाउ दिस इंटायर सेक्शन ऑफ द प्लेन्स, ओके, इफ यू एज यू लुक इन द पिक्चर ऑल्सो, एज यू कैन सी इन द मैप गिवन इन द स्लाइड ओवर हियर, दिस एंटायर प्लेन हैज़ बिन डिवाइडेड इन थ्री सेक्शंस. तीन सेक्शन में हमने इन्हें डिवाइड किया है, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड ब्रह्मपुत्र प्लेन, ठीक है. पंजाब प्लेन, जैसे कि नाम से ही हमें समझ आ रहा है, पंजाब हरियाणा उस साइड वाले एरिया को बोलते हैं, बिल्कुल वेस्टर्न मोस्ट, ठीक है. यहाँ पे जो है वो इंडस और उसके ट्रिब्यूटरीज से फॉर्म होता है ये वाला प्लेन. Now your task is to tell me which are the tributaries of Indus River. Indus River की कौन से tributaries हैं जो यहाँ पे form करती हैं ये वाला plain? फटाफट से comment box में मुझे ज़रूर बताना, ठीक है. अगर बात करें गंगा plain की, तो naturally ये जो है गंगा वाले river system से form होता है, और यहाँ पे घाघर से लेकर के तीस्ता river तक जो area है उसको हम consider करते हैं गंगा plain, और उसके आगे जो है वो ब्रह्मपुत्र plain है, जो कि ब्रह्मपुत्र और उसकी tributaries फॉर्म करती हैं, जो कि आसाम वाले रीजन में, ठीक है. गंगा प्लेन आपका हो गया यूपी, बिहार, झारखंड, सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, सम पार्ट ऑफ यू नो यूपी, ऑल ऑफ दीज एरियाज, थोड़ा सा दिल्ली, इन सब का हिस्सा लेकर के आपका फॉर्म होता है गंगा प्लेन. थोड़ा थोड़ा हरियाणा भी आता है यहाँ पे, ठीक है. पंजाब प्लेन्स में क्या है बच्चा, कि बहुत सारा, जैसे मैं नाम से पता चल रहा है, पंजाब और हरियाणा और राजस्थान, थोड़ा गुजरात, ये सब एरिया थोड़ा थोड़ा है, लेकिन इसका बहुत बड़ा चंक जो है वो अब पाकिस्तान का हिस्सा हो चुका है, ठीक है. ये थी नॉर्दर्न प्लेन्स की बात. नाउ दिस इज मेजर थिंग्स दैट वी नीड टू फोकस ऑन, बट इसके अलावा मैं एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन ऐड करना चाहती हूँ. तो क्या होता है कि जो रिलीफ है, हम हमेशा कहते हैं कि प्लेन्स जो है वो बिल्कुल फ्लैट लैंड होती हैं, बट ऐसा नहीं है. कभी भी सर्फेस ऑफ अर्थ के नॉट बी एब्सोल्यूटली फ्लैट, वो हो ही नहीं सकता, दैट्स नॉट पॉसिबल, दैट्स सो अनलाइक यू नो अर्थ, मदर अर्थ. तो ये जो रिलीफ है, रिलीफ मैंने आपको बताया था हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल यू नो अपियरेंस और द सर्फेस ऑफ एनी लैंड मास. तो जो नॉर्दर्न प्लेन्स का रिलीफ है उसमें भी वेरिएशन है, हाउएवर उसका एलिवेशन या यू नो डिफरेंसेस इज नॉट एज मच जितना कि प्लेटोज में हो जाता है, माउंटेन्स में होता है, इतना ज़्यादा नहीं है, कंपैरेटिवली इन सबसे कम है, लेकिन है. अब जो डिफरेंस है उसको हमने दो में डिवाइड किया है, भाबर एंड टेराई. भाबर हो गया जो कि रिवर्स जैसे ही नीचे आकर के जहाँ पे रुकती हैं थोड़ा सा, ठीक है, जहाँ उनका स्पीड कम होता है वहाँ पे वो डिपॉजिट कर देती हैं बहुत सारा पेबल्स, जो कि चलता है पैरेलल टू द शिवालिक्स ऑफ हिमालयस, ठीक है, उसके पैरेलल पैरेलल चलता है. और यहाँ पे क्या होती है, जो स्ट्रीम्स है वो डिसअपियर करने लग जाती हैं, और इसे हम कहते हैं बिकॉज ऑफ डिपॉजिट ऑफ पेबल्स, दिस इज नोन एज भाबर, ठीक है. अब टेराई क्या होता है, तो जैसे जैसे वो सदर्न पार्ट में आती जाती है, नीचे आती जाती है, ठीक है, सो दिस इज बेसिकली साउथ टू भाबर, भाबर के नीचे की बात है. वहां पे अब लोअर कोर्स में आ गई है, वहां पे स्पीड स्लो हो गया है, तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा डिपॉजिट्स किया है. अब यहाँ की लैंड का क्या कंडीशन है, तो ये बहुत ज्यादा स्वॉम्पी और मार्शी होती है, नेचुरली दिस विल मेक इट वेरी वेरी फर्टाइल. तो पहले यहाँ बहुत ज्यादा घना जंगल, वेरी डेंस फॉरेस्ट वॉज प्रेजेंट. अब ऐसा नहीं है, इन फॉरेस्ट को क्लीन कर दिया गया है वेरियस रीजंस के लिए, एग्रीकल्चर लैंड में उनको चेंज कर दिया है, इस एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया गया है पाकिस्तान से आए हुए रिफ्यूजीज के रहने के लिए, तो बेसिकली अलग अलग पर्पसेस के लिए हमने इन फॉरेस्ट को क्लीन कर दिया है, ठीक है. चलो, नाउ वी विल टॉक अबाउट द पेनिनसुलर प्लेटो. तो पेनिनसुलर प्लेटो, सबसे पहले तो हमें बताना है कि प्लेटो क्या होता है. सो प्लेटो इज समथिंग बिटवीन माउंटेन एंड प्लेन्स, ठीक है, यानी कि फ्लैट लैंड लेकिन एट अ सर्टेन एलिवेशन, ठीक है. तो इसे हम कहते हैं प्लेटोस. हमारा प्लेटो, अगर प्लेटो वाला रीजन देखें इंडिया में, तो वो एक इन्वर्टेड ट्रायंगल की तरह है लोअर पार्ट. एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, द कलर्ड पोर्शन इज लाइक एन इन्वर्टेड ट्रायंगल. जहां पे प्लेन्स खत्म होता है वहां से प्लेटो शुरू होता है. तो आप ऐसे समझ सकते हो आपके ट्रायंगल का जो बेस है वो प्लेन्स के साउथ में लाई करता है, ठीक है, एंड देन इट फॉर्म्स एन इन्वर्टेड ट्रायंगल लाइक दिस. Okay, and this is the plane, this is the base which is related, which is just after the boundary of the northern plains. ठीक है बच्चा.
अब जो है ये कहाँ से फॉर्म हुआ, कैसे फॉर्म हुआ, तो ये वाली जो इसकी कॉम्पोजिशन है, अगर स्टेबल लैंड की बात करें तो टेबल लैंड क्यों बोल रहे हैं हम, टेबल कैसा होता है, थोड़ा एलिवेशन पे होता है लेकिन फ्लैट होता है, करेक्ट, तो इसीलिए प्लेटो को टेबल लैंड कहते हैं, थोड़ा सा माउंटेन थोड़ा सा प्लेन्स का कैरेक्टरिस्टिक है। इसकी कॉम्पोजिशन जो है वो मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नियस रॉक्स की होती है, ठीक है। अब ये कहाँ से आया, तो हमने पढ़ा था कि प्लेन्स और हिमालय जो है कंपैरेटिवली न्यू, यू नो दे आर न्यूली बॉर्न, ये नए नए स्ट्रक्चर्स है, ये नए नए फीचर्स है, फिजिकल फीचर्स, लेकिन प्लेटोज इज वेरी वेरी ओल्ड। वाई, क्योंकि ये गोंडवाना से टूट करके एशिया में जुड़ा था, राइट गाइस, तो इसलिए ये लैंड मास जो है ये काफी पुराना कहा जा सकता है, और यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, ठीक है। यहाँ पे वैलीज भी हैं, यहाँ पे राउंडेड हिल्स भी हैं, यानी कि पानी भी है, रिवर भी है, हिल्स भी है, सब कुछ यहाँ पे प्रेजेंट मिलता है हमें, और इसलिए हमने इसको दो ब्रॉड डिविजन में बांटा है, हमने बांटा ऐसे सेंट्रल हाईलैंड्स में एंड डेक्कन प्लेटो में, ठीक है। तो अब बात करते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स की, कहाँ है ये और कैसा है। तो नर्मदा रिवर जो फ्लो होती है उसके ऊपर वाले एरिया को, प्लेटो में उसके ऊपर वाले एरिया को नर्मदा रिवर के बाद के ऊपर हमने ले लिया है सेंट्रल हाईलैंड्स में, ठीक है। ये आपका साउथ में विंध्या रेंज और नॉर्थ वेस्ट में अरावली से ब्लॉक हो जाता है, बाउंड हो जाता है, ठीक है। कौन कौन सी रिवर्स बहती हैं यहाँ पे, तो चंबल, सिंध, बेतवा, ये सारी कुछ रिवर्स है जो यहाँ पे बहती हैं। अब जो है ये वाइडर है वेस्ट के साइड, लेकिन ये धीरे धीरे ईस्ट के साइड ना जाकर के थोड़ा नैरो हो जाता है, यानी कि इसकी चौड़ाई वेस्ट की तरफ बड़ी है बट ईस्ट की तरफ थोड़ी छोटी हो जाती है, और ये ईस्टर्न एक्सटेंशन जो आगे आगे जाता जाता है इसे हम कहते हैं बघेलखंड या फिर बुंदेलखंड, इसे इस नाम से जाना जाता है टुवर्ड्स द ईस्टर्न एक्सटेंट, ठीक है। अब ये ईस्ट में एक्सटेंड होकर कहाँ तक जा रही है, तो मालवा प्लेटू से शुरू हो रही है वेस्ट की तरफ वो है, और जाती है आगे छोटा नागपुर प्लेटो तक टुवर्ड्स द ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। वेस्ट में क्या हो रहा है, वेस्ट में ये क्या कहाँ जाके मर्ज हो रही है, तो ये राजस्थान में मर्ज होगी, जहां पे सैंड रॉक ये सब आने लगता है, ये वहां जाकर मर्ज होकर खत्म हो जाती है, ठीक है बच्चा। सो दिस इज सेंट्रल हाईलैंड। नाउ व्हाट अकॉर्डिंग टू यू वुड बी डेक्कन प्लेटो, नेचुरली बचा हुआ यानी कि नर्मदा के साउथ में, ठीक है। तो ये मेजरली जो ट्रायंगुलर मास है ना वो मेजर मेजर डेक्कन प्लेटो के अंदर लाई करता है, जो कि आपका शुरू होता है नर्मदा के सदर्न पार्ट से, नॉर्दर्न पार्ट में था हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स, सदर्न पार्ट में हमारा डेक्कन प्लेटो है, ठीक है। इसका जो नॉर्थ में है सतपुरा रेंज है, महादेव, कैमूर हिल्स, माइकल रेंज, ये सब कुछ ईस्टर्न एक्सटेंशन में हिल्स है। अब जो है ये ना हायर इन द वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड्स, यानी कि इसकी एलिवेशन जो है वो वेस्ट की तरफ ऊंची है, और धीरे धीरे ये जेंटल स्लोप फॉर्म करता है टुवर्ड्स ईस्ट। इसके तीन बहुत प्रोमिनेंट हिल रेंजेस हैं, जिसका नाम है गारो, खासी एंड जयंतिया हिल्स, ठीक है। ये आपको यहाँ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अब आपको याद होगा छोटा नागपुर प्लेटो हमने अभी डिस्कस किया, सेंट्रल हाईलैंड्स के ईस्टर्न पार्ट में आता है, तो अब डेक्कन प्लेटो कैसे ईस्टर्न पार्ट से यू नो आई मीन लाइक सेंट्रल हाईलैंड से डिफरेंट अलग हो रहा है, तो जो डेक्कन प्लेटो है वो छोटा नागपुर प्लेटो से इज सेपरेटेड बाय अ फॉल्ट। Now what are faults we have discussed in the previous session, make sure you go in the comment box and tell me what are faults guys, ठीक है। दो सवाल हो चुके हैं आपके, आपको मुझे बताना है इंडस रिवर के ट्रिब्यूटरीज कौन कौन से हैं, और आपको मुझे बताना है कि फॉल्ट का मतलब क्या होता है। अगर आपको फॉल्ट का मतलब नहीं पता है, इसका मतलब आपने पहला सेशन नहीं देखा है, मेक श्योर टू गो बैक एंड वॉच द वीडियो ऑफ द फर्स्ट सेशन, सो दैट यू गेट द आइडिया ऑफ ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज की टर्मिनोलॉजीज, ठीक है। चलो बच्चा, तो अब बढ़ते हैं आगे। एज आई वाज टेलिंग यू कि डेक्कन प्लेटो छोटा नागपुर प्लेटो से सेपरेट होता है बाय अ फॉल्ट, ठीक है। विद दिस वी आर डन विद डेक्कन प्लेटो, वी आर डन विद प्लेटोस, नाउ वी गोना टॉक अबाउट ईस्टर्न एंड वेस्टर्न घाट्स। घाट्स का मतलब क्या होता है, हिंदी में हमें पता है घाट हम किस चीज को कहते हैं, पानी के किनारे वाली जगह को, यानी कि दिस मस्ट बी रिलेटेड टू द कोस्टल रीजन। सो वेस्टर्न घाट्स बच्चा इज एक्चुअली द एरिया बिटवीन द प्लेटो एंड द अरेबियन सी, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो नैरो सा स्ट्रिप है ना, पैरेलल वेस्टर्न कोस्ट के रन करता है, उसका नाम हमने रखा है वेस्टर्न घाट्स। ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूस है, मतलब बिल्कुल एक स्ट्रेच पे चलता है, और किसी भी पास के थ्रू यू नो इट कैन बी क्रॉस्ड ओवर। अब इसकी एलिवेशन जो है ना वो ईस्टर्न घाट से ज्यादा, यानी कि ईस्टर्न घाट थोड़ी सी नीचे है और वेस्टर्न घाट थोड़ी ऊपर है, इसलिए आप कह सकते हो इसका नॉर्मल एलिवेशन जो है वो समवेयर बिटवीन 1900 टू 1600 मीटर्स है, अगेंस्ट ईस्टर्न घाट्स विच इज जस्ट समवेयर अराउंड 600 मीटर्स।
यहाँ पे किस तरह की का मौसम रहता है. तो अगर मौसम की बात की जाए, क्लाइमेट की बात की जाए, तो वी गेट ओरोग्राफिक रेन. नाउ व्हाट डू वी मीन बाय ओरोग्राफिक रेन? इंटरेस्टिंग न्यू वर्ड, राइट? ओरोग्राफिक रेन, बच्चा इफ आई सिंप्लीफाई दिस फॉर यू, इट्स वेरी सिंपल. तो होता क्या है कि मॉनसून क्लाउड्स होते हैं, बारिश से भरे क्लाउड्स होते हैं, एयर होता है, क्लाउड से भी पहले एयर होता है. एयर इज फिल्ड अप विथ मॉइस्चर, उसमें बहुत सारा मॉइस्चर है, बहुत सारा वाटर वेपर है, जो कि हीट की वजह से वाटर एयर कंटेन कर रहा है, कैरी कर रहा है. अब वो मूव कर रहा है, मूव कर रहा है. अब क्या होता है, जैसे ही वो आगे जाएगा, वो पहाड़ से टकरा जाएगा. नाउ बिकॉज ऑफ दिस यू नो एलिवेशन, बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन, इट वोंट बी एबल टू मूव अहेड. अब क्या होगा, वो सीधा नहीं जा पा रहा है, डिस्ट्रप्ट हो जा रहा है, एक बैरियर बन जा रहा है. तो वो धीरे धीरे असेंट करेगा, वो राइज करेगा. जैसे ही वो राइज करेगा, नीचे तो गर्मी थी, ऊपर है ठंड. तो अब वो जैसे ही राइज करेगा, वाटर वेपर विल कूल डाउन एंड नाउ फॉर्म क्लाउड्स. दीज क्लाउड्स विल देन इवेंचुअली मेक द रेन हैपन. इसको कहते हैं ओरोग्राफिक रेन. इस तरह की बारिश होती है वेस्टर्न घाट्स में, क्योंकि हमने देखा है बहुत सारे पहाड़ हैं वहाँ पे, जो कि ये वाटर यू नो मॉनसून विंड्स को आगे जाने नहीं देते और वहीं पे बारिश हो जाती है. ठीक है, तो इसकी हाईएस्ट पीक की अगर बात की जाए, तो हाईएस्ट पीक इज अनाई मुडी विच इज अराउंड 2,695 meters एंड डोडा बेटा विच इज 2,637 meters. नाउ इफ यू मूव टू ईस्टर्न घाट्स, तो ईस्टर्न घाट्स, तो वेस्टर्न घाट्स कैसा हमने देखा बच्चा, वो बहुत बहुत नैरो था, थोड़ा स्टीप था. लेकिन ईस्टर्न घाट्स जो है वो थोड़ा ब्रॉड है कंपेयर टू द वेस्टर्न घाट्स, और थोड़ा ज़्यादा लंबा भी है, ये स्ट्रेच थोड़ा बड़ा है. ये महानदी वैली से शुरू होकर के नीलगिरी तक आता है साउथ में. ठीक है, अनलाइक वेस्टर्न घाट्स, ये थोड़ा डिसकॉन्टिन्यूस है. वेस्टर्न घाट्स बिल्कुल एक स्ट्रेच पे कॉन्टिन्यूसली चलता था, लेकिन यहाँ पे डिसकॉन्टिन्यूटी है. किस वजह से? बहुत सारे माउंटेन्स और रिवर्स प्रेजेंट है बीच में, मेजरली रिवर्स है, जो कि जा जा कर के सारे बे ऑफ बंगाल में मिल जा रहे हैं. ठीक है, महेंद्रगिरी जो है वो इसका हाईएस्ट पीक है, जो कि 1,501 meters है. हमने अभी डिस्कस किया था ना, वेस्टर्न घाट ज़्यादा हायर है, इसलिए वहाँ पे 2,600 की दो पीक्स है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 1,500 के अराउंड एक पीक है जो कि हाईएस्ट है. ठीक है, अब ये दोनों जो है, वेस्टर्न और ईस्टर्न यू नो एजेस, एज है ना, बाउंड्री है, ये दोनों एजेस जो है वो डेक्कन प्लेटू का यू नो बाउंड्री डिफाइन करती है. बोथ मार्क द बाउंड्रीज एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेटू. और इसकी एक डिस्टिंक्ट फीचर ये है कि यहाँ पे बहुत अच्छा क्वालिटी का ब्लैक सॉइल मिलता है. हमने ब्लैक सॉइल के बारे में जब पढ़ा है, तब हमने पढ़ा है कि डेक्कन प्लेटू वाले रीजन में होता है ये, राइट? और इसको हम कहते हैं डेक्कन ट्रैप. क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रैप सा हो गया और वहाँ पे क्या भरा हुआ है? ब्लैक सॉइल. नाउ लेट्स टॉक अबाउट योर प्रॉब्लम्स. सो आई थिंक दिस इज बीन अ जनरल कंसर्न, करेक्ट? नाउ द कंसर्न हैज बीन दैट आर योर स्टूडेंट्स आर फेसिंग दीज प्रॉब्लम्स. What are these problems? Doubts. You don't know how to clear your doubts. You always keep on coming up with questions. You don't know whom to ask, how to ask, when to ask, how to approach. Especially given in the current scenario where you are not able to meet to people. You're not able to meet your teachers in school. You're not able to interact with us directly. So there might be so many questions in your head, right? Bacche pareshan ho rahe hain, aur khas karke abhi exam ke season mein. Exam mein to aapko lagta hai, ma'am, yehi sawal hai, yehi sawal hai, yeh bhi fatafat clear ho jaye, yeh bhi fatafat clear ho jaye. Aapko sab kuch clarify karna hota hai, correct? तो ये डाउट्स कैसे सॉल्व होंगे? देन नेक्स्ट कंसर्न इज नोट्स. नोट्स कैसे बनाएं, कहाँ से बनाएं, कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कौन सा नहीं है, ये हमेशा इश्यू रहता है. या एग्जाम के पहले कौन से नोट्स रेफर करें, इतनी सारी बुक्स है, एनसीईआरटी हो गई, रेफरेंसेस बुक्स है, ये सैम्पल पेपर है, ये है, वो है. सो व्हाट नोट्स शुड आई यू नो रेफर टू? देन ऑफकोर्स एज आई सेड सैम्पल पेपर्स है, लेकिन आई नीड टू कीप टेकिंग मोर एंड मोर प्रैक्टिस टेस्ट, मोर एंड मोर असाइनमेंट्स बिफोर एग्जाम्स. हाउ डू आई प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स दैट आर सपोज टू कम अहेड? अभी तो मुझे और भी एग्जाम्स देने हैं, मुझे जेईई के लिए प्रिपेयर करना है, मुझे नीट के लिए प्रिपेयर करना है, ये एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, अहेड फॉर माय 11th एंड 12th. यू हैव टू बी प्रेप्ड राइट नाउ. सो वेयर डू आई गेट दीज प्रिपरेशन फॉर द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स? क्योंकि मुझे पता है इतना ज्यादा कॉम्पिटिशन है, अभी से ही तैयारी करनी होगी. करेक्ट? करेक्ट गाइज. और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम, ये इतनी सारे सब्जेक्ट्स हमें पढ़नी है, सबका सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है, कहीं हम लैग कर रहे हैं, कहीं हम आगे चल रहे हैं. हाउ टू मेंटेन दैट बैलेंस? हाउ टू मेक श्योर दैट वी आर डिजाइनिंग अप अ रूटीन, वी आर डिजाइनिंग अप अ शेड्यूल विच सर्व्स दिस पर्पस? करेक्ट. एंड ऑफकोर्स द चॉइस ऑफ लैंग्वेज, किस लैंग्वेज में पढ़ाई करें? इंग्लिश में, हिंदी में? मैम इंग्लिश में पढ़ा रही है तो भी दिक्कत है, पूरा हिंदी में पढ़ा रही है तो भी कई चीज़ें समझ नहीं आती, और पूरा पूरा इंग्लिश में भी ट्रबल होता है.
तो इन सब का सोल्यूशन लेकर के आ गए हम लोग आपके लिए। हमने देखा बच्चे इतने परेशान हो रहे, भाई बोर्ड का टाइम है इनके लिए, बोर्ड ईयर है, हम इन्हें परेशान नहीं कर सकते। 9th और 10th तो इतना क्रूशियल टाइम होता है, हाउ कैन वी लेट देम लीव देम बी वरिड अबाउट ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो वी डिसाइडेड टू सॉल्व ऑल योर प्रॉब्लम्स विथ फ्यू बोनसेस। आपको बहुत सारी अनलिमिटेड लाइव क्लासेस देने के लिए, आपके माइक्रो सेशंस और क्रैश कोर्सेज देने के लिए, इन सब का एक्सेस है आपको। अगर आपका एक चैप्टर छूट गया है, आप फटाफट जाओ उसके माइक्रो सेशन को ज्वाइन करो, आज नहीं कल कर लो, कल नहीं है टाइम परसों कर लो, आपका जब मन हो। आपका मन है आप डिसाइड करना चाहते हो, आप बायो लेना चाहते हो, मैथ्स लेना चाहते हो आगे जा करके, यू कैन ऑलवेज गो एंड सिट इन एनी ऑफ दीज सेशंस। वंस यू आर यू नो वंस यू आर अ पार्ट ऑफ द वेदांतु फैमिली, ऑल ऑफ द थिंग्स बिकम्स एक्सेसिबल फॉर यू। बस एक बार वन टाइम पेमेंट करना होता है। देन ऑफकोर्स लाइव परफॉर्मेंस रिपोर्ट, जैसे ही आप काम कर रहे हो, जैसे ही टेस्ट दे रहे हो, तुरंत परफॉर्मेंस रिपोर्ट आ जाएगा। जैसे ही क्विज के लिए अपेयर कर रहे हो, आपको वेट नहीं करना होगा, आपका लीडर बोर्ड तुरंत शो हो जाएगा, राइट पीपल। एंड देन ऑफकोर्स द पर्सनलाइज अटेंशन, कितने लोग लॉन्ग करते हैं इस चीज़ के लिए, है ना। हमें चाहिए होता है मैम से तुरंत वन ऑन वन बात हो जाए, पर हो नहीं पाती है। तो इन सब का सोल्यूशन लेकर के आए हम वेदांतु प्रो के साथ, जिसके लिए आपको बस ये करना है कि इस लिंक पे जाना है और क्लिक करना है vdnt.in/ytpro। उसके बाद क्या करोगे आप, यू विल गो सेलेक्ट योर ग्रेड, सेलेक्ट योर बोर्ड, देन चेकआउट ऑल द डिटेल्स। आपको सिर्फ अंकना मैम की बात नहीं सुननी है, आपको लग रहा है आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा बच्चा, ठीक है। उसके बाद आई एम श्योर वंस यू गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, यू वोंट बी एबल टू रेजिस्ट योर सेल्फ फ्रॉम क्लिकिंग ऑन द गेट सब्सक्रिप्शन बटन। आप जैसे ही वो क्लिक करोगे, आपके लिए तीन ऑप्शंस आ जाएंगी। अब ये तीन ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस तो सबको अच्छे लगते हैं, आई वुड वांट टू चूज फ्रॉम अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, मुझे सिर्फ एक ऑप्शन नहीं देना, मुझे ज्यादा देना, आई वांट टू चूज फ्रॉम मल्टीपल थिंग्स। तो आपको हमने दिए तीन ऑप्शन, 1 month, 3 months and 6 months। आप जितना बड़ा पैकेज चुनोगे उतनी ज़्यादा प्रॉफिट होगी। कैसे, नॉट जस्ट मॉनिटरीली, ऐसा नहीं है कि जितना बड़ा पैकेज है उतना ज़्यादा डिस्काउंट है, बट उसके साथ ये सारी सर्विसेज, ये सारी लाइव क्लासेस, माइक्रो सेशंस, प्रैक्टिस टेस्ट्स, यू नो चॉइसेस ऑफ लैंग्वेज, चॉइसेस ऑफ ऑल द अदर क्लासेस, सब कुछ इज गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर यू फॉर 6 months इफ यू गो अहेड विद 6 months का प्लान। एंड नॉट जस्ट दैट, यू गेट टू बी अ पार्ट ऑफ द वेदांतु फैमिली फॉर 6 whole months। अगर आप कैलकुलेट करोगे ना बच्चा, वेरी इंटरेस्टिंगली यू विल फाइंड कि पर डे का कॉस्ट इज इनफैक्ट लेस देन 10 rupees, 10 rupees से भी कम खर्चा हो रहा है हमारा हर दिन का, और हमें इतना कुछ मिल जा रहा है। सो डू थिंक अबाउट इट, आई एम श्योर यू वोंट बी एबल टू रेजिस्ट योर सेल्फ। और आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया, यू जस्ट हैव टू गो एंड क्लिक ऑन दिस लिंक। आप जैसे ही ये लिंक क्लिक करोगे, आपको ऑप्शन आएगा ये सारा कुछ ग्रेड बोर्ड सब कुछ सेलेक्ट करने का। उसके बाद आपको आएगा ऑप्शन अप्लाई कूपन गेट सब्सक्रिप्शन के बाद, मेक श्योर यू आर पुटिंग इन द कूपन ANKPRO। अगर आप ये कूपन पुट नहीं करोगे बच्चा, यू विल नॉट गेट द डिस्काउंट। तो अंकना आपके बच्चे होने की वजह से कुछ फायदा तो होना ही चाहिए, है ना। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ANKPRO वाला कूपन कोड लगाना होगा और फटाफट से डिस्काउंट लेकर के बन जाओ पार्ट ऑफ द वेदांतु फैमिली। एंड आई विल ईगरली बी वेटिंग टू सी यू इन द लाइव सेशंस ऑन द प्लेटफॉर्म। ओके पीपल, अगर लेट्स से आप डिसाइड करते हो कि नहीं नहीं ये तो नहीं करना है मुझे, आई वांट टू नो मोर, देयर इज नो प्रॉब्लम। आपके लिए ट्रायल क्लासेस भी हैं, FYI, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन। अगर उसके बाद भी आपका बन नहीं हुआ, यू वांट टू टेक मोर टाइम एंड अंडरस्टैंड, हम लोग यहाँ पे हैं, विल ट्राई आवर बेस्ट टू मेक यू हेल्प, यू नो, टू हेल्प यू स्कोर द बेस्ट इन योर बोर्ड एग्जाम्स एंड रॉक इट। ओके गाइस, चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड टॉक अबाउट द इंडियन डेजर्ट नाउ। नाउ जस्ट क्विकली कमिंग बैक टू द डेक्कन ट्रैप, मैं एक छोटी सी चीज बताना भूल गई कि ये पूरा डेक्कन प्लेटो ना बच्चा एक्चुअली वॉल्केनिक इरप्शन के लावा के कूल डाउन होने से हुआ है। वॉल्केनिक ओरिजिन है इनका और इसलिए इग्नियस रॉक्स है और वही सारे बर्न हो करके, सॉरी ब्रेक हो करके ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन किया है उन्होंने, ठीक है। अब बात करते हैं डेजर्ट की, तो ये तो बहुत जानी हुई सी बात है, बहुत ज़्यादा ड्राई क्लाइमेट है यहाँ पे, यहाँ पे पानी ज़्यादा नहीं है। ये लाई करती है अरावली हिल्स के लेफ्ट हैंड साइड पे, और यहाँ पे हमें मिलता है बहुत सारा सैंड ड्यून्स, अनड्यूलेटिंग सैंडी प्लेन। अनड्यूलेटिंग क्या होता है, सो थिंग्स विच हैव अ वेरी स्मूथ राइज एंड फॉल, यानी कि बहुत स्मूथ छोटे छोटे सैंड ड्यून्स। आपने सैंड ड्यून्स देखे होंगे तो लगता है बहुत स्मूथ है, ऐसे टच करोगे तो गिर जाएगा, है ना। इसे कहते हैं अनड्यूलेटिंग सैंड प्लेन, इस तरह का प्लेन है। नेचुरली यहाँ बहुत कम रेनफॉल है, 150 millimeter से भी कम, और क्लाइमेट हो जाता है बहुत बहुत ड्राई, जिसकी वजह से वेजिटेशन भी ज़्यादा नहीं हो पाता है, ऊपर से पानी भी नहीं है। इस पूरे रीजन में सिर्फ एक बड़ा रिवर क्रॉस करता है जिसका नाम है लूनी।
इसके अलावा हमें देखने मिलता है समथिंग कॉल्ड बर्चन्स, विच आर बेसिकली नथिंग एल्स बट क्रीसेंट शेप्ड ड्यून्स कवरिंग द लार्ज एरियाज. आप जाओगे ना जैसलमेर और ये सारे एरियाज, तो आपको बर्चन्स देखने को मिलेंगी बहुत ज़्यादा. ठीक है, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कोस्टल प्लेन्स. तो बच्चों ये जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटू है ये ना प्रोटेक्टेड है एक तरह से, ये बॉर्डर्ड है, ये कवर्ड अप है, आउटलाइंड है विद द कोस्टल प्लेन. यानी कि लेफ्ट हैंड साइड पे या वेस्ट में हमारा अरेबियन सी है, राइट में हमारा बे ऑफ बंगाल है और बॉटम में हमारा इंडियन सी. और ये पूरा डार्क शेड में जो आप इस पिक्चर में देख सकते हो जो रन कर रहा है वो है कोस्टल प्लेन्स. अब प्लेन से हमें ये तो समझ आ ही रहा है कि ये प्लेन फ्लैट लैंड्स होंगी. कोस्टल क्यों? क्योंकि कोस्ट के साइड पे है, तो कोस्ट के पास वाली ये पूरी लैंड को हमने नाम दिया वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, कोस्टल प्लेन्स. अब अगर मैं वेस्टर्न कोस्ट की बात करूं तो ये सैंडविच हो जाता है, ठीक है, ये दब रहा है कहीं ना कहीं, ये सराउंडेड है दोनों तरफ से, एक तरफ है अरेबियन सी, ठीक है, और दूसरी तरफ है वेस्टर्न वेस्टर्न घाट्स. तो वेस्टर्न कोस्ट क्या है? वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में सैंडविच्ड है, उसके बीच में लाई करता है ये वेस्टर्न घाट वाला एरिया. और ये बहुत नैरो है, अगर आपको याद होगा वेस्ट में जगह कम है, ईस्ट में जगह थोड़ी ज़्यादा है, तो ये वेस्टर्न घाट जो है यहाँ पे नैरो सा प्लेन फॉर्म करता है. और इसको हमने डिवाइड कर दिया है तीन सेक्शन में, जो नॉर्दर्न है सबसे नॉर्दर्न वाला उसे कोंकण कहते हैं, सेंट्रल वाला कनाडा प्लेन, और सबसे नीचे वाला कहलाता है मालाबार कोस्ट जो कि तमिलनाडु के पास है. अब सिमिलरली ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ये ज़्यादा वाइड है और ज़्यादा ऑन लेवल है बिकॉज ऑफ द बे ऑफ बंगाल. इसका सबसे नॉर्दर्न पार्ट इज नोन एज नॉर्दर्न सिरकार एंड द मोस्ट सदर्न पार्ट इज नोन एज कोरोमंडल कोस्ट. ठीक है बच्चा, कौन कौन सी रिवर्स हमें देखने को मिलती हैं यहाँ पे? तो महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सारी रिवर्स आपको ईस्टर्न कोस्ट में मिलेंगी. इसमें लेक चिलिका जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बन जाता है इसका. ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट आइलैंड्स. व्हाट आर आइलैंड्स? सबसे पहले बताइए आइलैंड होता क्या है. तो आइलैंड इज अ पीस ऑफ लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल द साइड्स. चारों तरफ से पानी में डूबा हुआ एक लैंड मास होता है, डूबा हुआ नहीं, सराउंड, जैसे कि श्रीलंका बाहर की तरफ हो गया, आप देख सकते हो पिक्चर में. ऐसे ही हमारे पास दो आइलैंड मासेस है, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार. अंडमान एंड निकोबार पे हम आते हैं थोड़ी देर में, पहले बात करते हैं लक्षद्वीप की. इट्स अ यूनियन टेरिटरी, सबको पता होगा. कवराती आइलैंड इनकी इट्स अ बंच ऑफ आइलैंड, ठीक है, वहाँ पे कवराती आइलैंड जो है ये हेडक्वार्टर हो जाता है इसका. यहाँ की इसकी सारी काम सारे काम सारे हेडक्वार्टर्स इस वाले आइलैंड पे है, कवराती आइलैंड पे. ठीक है बच्चा, अब अगर इसकी लोकेशन की बात करें तो ये मालाबार कोस्ट के थोड़ा पास है केरला में. इट्स टुवर्ड्स द मालाबार कोस्ट एंड इज मेड अप ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड्स. इसका नाम एक्चुअली लक्षद्वीप नहीं था पहले, 1973 में इसका नाम चेंज हुआ लक्षद्वीप आइलैंड में, जो कि पहले क्या था, लकडाइव, मिनिकॉय एंड अमिनडीवी, दिस इज वॉट इट वॉज नोन एज अर्लियर. ठीक है, अब ये जो है बहुत छोटा सा एरिया आता है, 32 किलोमीटर स्क्वायर, दैट्स इट. इतने छोटे से एरिया में ही ये सिमट के रह जाता है. आप सोचो प्लेन्स के हिसाब से कंपेयर करो कितने का डिफरेंस है, राइट? प्लेन्स कितना ब्रॉड है, नॉर्दर्न प्लेन्स एंड लक्षद्वीप वुड बी सो सो स्मॉल. लेकिन क्योंकि कोस्टल रीजन है, इट इज़ वेरी रिच इन फ्लोरा एंड फौना, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ, डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांटेशन, वेजिटेशन, ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू गेट टू सी. Pitti Island has a bird sanctuary as well. तो इनके जो you know groups of islands हैं उसमें Pitti Island में bird sanctuary भी है. अब बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बच्चा. तो ये जो है ये दो साइज में बहुत बड़ा है कंपेयर टू लक्षद्वीप, दिस इज ह्यूज, ठीक है, एंड हैज न्यूमरस यू नो स्कैटर्ड आइलैंड्स. एक जगह पे एक बड़ा आइलैंड नहीं है, अगर आप पिक्चर में देख रहे होगे राइट हैंड साइड वाला पिक्चर, छोटा छोटा बहुत सारा स्कैटर्ड आइलैंड्स है, आपको एक आइलैंड से दूसरे लैंड मास पे हमेशा ट्रैवल करता रहना होगा. ठीक है, इनको हमने डिवाइड कर दिया है अब दो बड़े कैटेगरीज में, जो नॉर्दर्न पार्ट है उसे हम कहते हैं अंडमान और सदर्न पार्ट को हम कहते हैं निकोबार, एंड दैट्स व्हाट मेक्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ठीक है, अब ये जो है ये चेन ऑफ आइलैंड्स है बच्चा, एज आई टोल्ड यू इट्स स्कैटर्ड ओवर द एंटायर एरिया. तो ये चेन है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ये एक बड़ा सा आइलैंड नहीं है, चेन है विथ वेरी स्मॉल स्मॉल आइलैंड स्कैटर्ड ऑल ओवर. ऐसा माना जाता है, ऐसा प्रूवन है कि ये जो माउंटेन्स थे ये पहले डूबे हुए थे, अब वो डूबे हुए सबमरीन माउंटेन्स जो है वो ऊपर आ गए और उन्होंने फॉर्म कर दिया ये आइलैंड.
इसकी वजह से जो डाइवर्सिटी इन फ्लोरा एंड फौना है वो बहुत ज्यादा है. नॉट बिकॉज इट वॉज सबमरीन, बिकॉज ऑफ इट हैज क्वालिटीज ऑफ माउंटेन्स ऑल्सो, देर आर कोस्ट वाटर, ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेक्स इट वेरी वेरी फर्टाइल. एंड इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है. इट इज़ वेरी सस्टेनेबल बिकॉज इट हैज़ अ ह्यूज चंक ऑफ, यू नो, इट इज़ होम टू डाइवर्स सेगमेंट्स ऑफ फ्लोरा एंड फौना. और इसकी लोकेशन अगर देखी जाए तो इंडियन पेनिनसुलर प्लेटो अगर देखा जाए तो वो थोड़ा ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल रीजन है, बट दिस इन पर्टिकुलर इज मोर क्लोजर टू द इक्वेटर एंड हेंस एक्सपीरियंसेस इक्वेटोरियल क्लाइमेट. ओके, सो विद दिस गाइस वी हैव फिनिश्ड द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया. अब हम बात करते हैं इनके इंपॉर्टेंस की. ये जो डिफरेंट डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिविजन्स हमने पढ़ा है इनमें से क्या इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट है. अगर आप देखो तो ये एक मैप है जो आपको ज्योग्राफिक रीजन्स कैसे कैसे इफेक्ट है और कितना कितना है वो शो कर रहा है. ठीक है बच्चा, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना. मेक श्योर यू आर सेविंग दिस एंड हैविंग अ गुड लुक एट इट. कहाँ पे क्या है कैसे कैसे कनेक्शन फॉर्म हो रहा है, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिफरेंट यू नो फिजिकल आई मीन लाइक सॉरी फिजिकल फीचर्स और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है. तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि एक चीज़ ज़रूरी है और दूसरी नहीं है. एवरीथिंग इज़ इम्पॉर्टेंट इन इट्स ओन वे. जैसे कि माउंटेन्स क्यों ज़रूरी हो जाती है, ऑल दो यहाँ इतनी ठंड है वहाँ रहना थोड़ा बहुत हार्डशिप फेस करनी पड़ती है, वहाँ रहना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन दीज आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ दैट मेक्स द माउंटेन्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लेटोज की बात करें तो ये बहुत पुराना लैंडमास है ना, गोंडवाना से निकल कर आया है. इस वजह से यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं. बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है ये इंडस्ट्रियलाइजेशन की बूमिंग में, उसके ग्रोथ में हमारी कंट्री के, क्योंकि इतना ज़्यादा मिनरल रिच है ये. अगर नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करें तो पूरा पूरा मोस्ट पार्ट ऑफ आर एग्रीकल्चरल सप्लाई इज डिपेंडेंट ऑन नॉर्दर्न प्लेन्स. इट हैज़ द मोस्ट फर्टाइल लैंड और इतना डेंसली पॉपुलेटेड है कि इतने सारे लोगों की लाइवलीहुड डिपेंड करती है वहाँ पे, इतने सारे लोगों की लाइफ डिपेंड करती है. सो दैट मेक्स द नॉर्दर्न प्लेन्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ वी टॉक अबाउट द कोस्टल एंड द आइलैंड ग्रुप्स एंड रीजन, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये सारी हमें प्रोवाइड करी है ऑप्शन ऑफ डूइंग ट्रेडिंग, ट्रेडिंग थ्रू वाटर, फिशिंग, पोर्ट एक्टिविटीज, ये सब कुछ पानी से रिलेटेड हर एक चीज हम इन रीजन में कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये रीजन भी हो जाता है इंपॉर्टेंट. तो अगर आपके मन में ये सवाल आ रहा हो कि मैम कौन सा फिजिकल फीचर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा अगर नहीं भी होता तो चल जाता, तो बच्चा लेट मी क्विकली क्लैरिफाई, सारी चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है अपने अपने एस्पेक्ट में. माउंटेन्स अपनी वजह से जरूरी है, नॉर्दर्न प्लेन्स अपनी वजह से जरूरी है, डेजर्ट का भी अपना एक रोल है, एक इंपॉर्टेंस है, प्लेटोस का भी है और कोस्टल रीजन एंड आइलैंड ग्रुप्स का भी है. ठीक है गाइस, सो विद दिस वी आर डन विद टुडेस सेशन, वी आर डन विद द चैप्टर. अगर आपको कोई भी डाउट है बच्चा, मेक श्योर इस सेशन से, पहले वाले सेशन से, किसी भी सेशन से, आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में, चाहे पहले सेशन के या इस सेशन के, अपना डाउट मेंशन कर दो, क्योंकि अब हम आने वाले हैं डाउट सेशन और मेंटी क्विज के साथ, और वहां पे मैं वही डाउट डिस्कस कर पाऊंगी जो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में डालोगे. सो मेक श्योर यू आर पुटिंग योर डाउट्स इन द कमेंट बॉक्स. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट वन मार्क होमवर्क क्वेश्चन. What is the peninsular plateau composed of? Igneous rocks, metamorphic rocks, both A and B, or none of these? Make sure you're putting the answer in the comment box, not just in the live chat. अगर आपने already subscribe नहीं किया channel को तो फटाफट कर दो, क्योंकि अगला session होने वाला है doubt और mentee, which is going to be super fun. I'll be waiting for all of you guys. अगर आपको notification session से फटाफट पहले चाहिए तो जरूर कर लो subscribe. अगर आपको लगता है इस chapter ने आपकी help की है तो like जरूर करना. Do tell me in the comment box how did you like the session guys, and make sure I'm stating this again that you are putting your doubts in the comment box. Okay guys, I'll see you people in the next session. Till then, I'll see you people in the next session. Till then, stay home, stay safe, take care guys, bye bye, have a great day ahead.